हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो बहुत खुश होंगे आप सब लोग आज, क्योंकि आपका सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया है। सीबीएसई ने अपने सारे एग्जामिनेशन को कैंसिल कर दिया है। तो सारी इन्फॉर्मेशन तो बता दी है, लेकिन ये वीडियो मैं सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ, काफी सारे लोगों को अभी भी बहुत डाउट है और जायज भी है, होना भी चाहिए, क्योंकि सीबीएसई का जो गाइडलाइन है, जो दिशा निर्देश है, वो अभी सीबीएसई का आया नहीं है। थोड़ा सा बस आप लोगों को बताने के लिए वीडियो बना रहा हूं। और आप लोगों के काफी सारे क्वेश्चंस, देखो ये मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आप लोगों के, मैं आपके एक क्वेश्चन बताता हूं अभी, क्वेश्चन पढ़ूंगा अभी, और फिर इसका जो गाइडलाइन सीबीएसई जो देगी उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। हम अपने हिसाब से नहीं बोल सकते ना कि मेरे को ये लगता है, मेरे को नहीं। अच्छा, अब मैं सबसे पहले उन सबको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने ट्विटर पे रीट्वीट किया मेरे ट्वीट का, और कहीं ना कहीं 6 दिन पहले हमने रीट्वीट किया कि कैंसिल हो। अब मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि हमारे रीट्वीट की वजह से एग्जामिनेशन को कैंसिल कर दिया या ऑप्शन रख दिया, जो भी है, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा। लेकिन हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा कि इससे थोड़ा बहुत प्रेशर, 1% प्रेशर तो सरकार के ऊपर पड़ा होगा ये जानने के लिए कि बहुत सारे लोग वाकई परेशान है, और भी बहुत सारे टीचरों ने क्लास इसको सपोर्ट किया, तो उनको तहे दिल से धन्यवाद। बाकी जो अभी आपके डाउट्स हैं, मैं उनकी बात करता हूं कि क्या क्या डाउट्स हैं, और कल तक जो है मेरे को कहीं से इंफॉर्मेशन मिली है, जो पता नहीं सही है कि नहीं, बट कल भी हियरिंग होने वाली है, तो कल फाइनल हो जाएगा, सीबीएसई गाइडलाइन जारी कर देगा। सो बस आपको ये बताने के लिए, आप परेशान ना हो, आज आप आराम से सो जाओ, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, एग्जाम जो है अब होंगे नहीं, तो आज तो आप मत पढ़ो, रेस्ट करो, आराम करो आप आराम से, और कल जो गाइडलाइन आएगा सीबीएसई का, तो मैं फिर बता दूंगा आपको कि मार्क्स कैसे अलॉट होंगे। बहुत सारे बच्चों को परेशानी है कि सर मार्क्स कैसे अलॉट होंगे, अब हमको नंबर कैसे मिलेंगे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रैक्टिकल के बेसिस पे नंबर दे दे, वो हमारे अच्छे नहीं गए, किसी के वो बहुत अच्छे गए, कोई कह रहा है ऐसे दे दो, कोई कह रहा है वैसे दे दो। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया ताकि आप लोग परेशानी में ना रहो, मार्क्स कैसे मिलेंगे, कई सारी जगह लिखा हुआ है कई सारी वेबसाइट्स पर कि लास्ट 3 पेपर जो है उनके बेसिस पे मार्क्स मिलेंगे, बट कई सारे बच्चों का तो एक भी पेपर नहीं हुआ, तो उनको कैसे मिलेगा, प्राइवेट कैंडिडेट्स वालों को कैसे मिलेगा, तो उन सब के लिए तो डाउट्स क्या क्या आपके। सबसे पहले बात, एनआईओएस वाले बच्चे, प्राइवेट कैंडिडेट्स के जो बच्चे हैं, ठीक है, पत्राचार विद्यालय के जो बच्चे हैं, उनको मार्क्स कैसे मिलेंगे, तो ये चीज कल क्लियर हो जाएगी। तो कल तक आप परेशान ना रहो, मैं हूं, आपको इन्फॉर्मेशन पूरी मिलेगी, जब तक मैं हूं आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, इन्फॉर्मेशन आप तक पूरी मिलेगी, ठीक है। और हाँ, जो बच्चे अभी भी पेपर देने का सोच रहे हैं, डोंट वरी, मैं काम करूंगा आप लोगों के लिए, मैंने पहले ही बोला है, लेकिन एग्जामिनेशन कैंसिल हुआ, मैं भी इसके फेवर में था, क्योंकि क्लास वाकई रिस्क था लाइफ का, आप यकीन मानो, आपके मानता हूं 10-12 नंबर कम ऊपर नीचे हो सकते हैं, किसी के ऊपर किसी के नीचे हो सकते हैं, और लेकिन फिर भी आपके लाइफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी सीबीएसई ने आपको पेपर देने का ऑप्शन दिया है, तो एक भी बच्चे को परेशान होने की जरूरत नहीं है। और धन्यवाद है सीबीएसई का भी, जो आखिरी में हमारा रीट्वीट काम आया, आप सब लोगों ने ट्वीट किया, ऐसे ही हमारे साथ ट्विटर पे जुड़े रहो, ताकि फ्यूचर में भी कोई और इनिशिएटिव अगर लिया जाए आप लोगों की बेनिफिट के लिए, तो हम ले सकें, क्लियर है। अच्छा, रिजल्ट का डेट क्या होगा, ऑप्शन का प्रोसीजर क्या होगा, जिन बच्चों को पेपर देना उनका प्रोसेस क्या है, और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में पेपर नहीं हुए हैं तो उन सब का क्या होगा, ठीक है, और जो रेस्ट 3 एग्जामिनेशन है, सर वो हमारे अच्छे नहीं गए तो उस पे मार्क्स कैसे मिलेंगे, बीएसटी में हमारे अच्छे जाने वाले थे, और कई लोगों को केस स्टडी का डर था तो वो भी निपट गया, उनका डर भी खत्म। प्रैक्टिकल और इंटरनल बेसिस पे नंबर मिलेंगे क्या, किसी का प्रैक्टिकल रह गया है, रीअपेयरिंग होने का प्रोसेस क्या है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन कल तक क्लियर हो जाएगा। तो मैं अभी इस पे कोई अपने आप से कि मुझे क्या लगता है बिल्कुल बोलना सही नहीं होगा, थोड़ा सा हम लोग वेट करते हैं, लेकिन हाँ, जो भी हुआ हमारे ही हित में किया गया है, सो फाइनली वर्डिक्ट आ गया और हम लोग सब सेफ हैं, हम घर रह के अपने आप को, अपने पेरेंट्स को, अपने फैमिली मेंबर्स को सेफ रख के सारा काम करेंगे। तो अब बाकी एग्जामिनेशन में ड्यू के फॉर्म निकल गए, आप सबको पता है दिल्ली यूनिवर्सिटी के, तो फॉर्म जाके भर दो सब लोग आराम से, और आगे की जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी, जो भी काम की चीजें मिलेंगी, मैं अपने चैनल पर आप सबको बताते रहूंगा, आप चाहो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो ताकि इंफॉर्मेशन आप तक मिल जाए। इस वीडियो को अपने सारे दोस्त में जिसके मन में एक भी डाउट है वो पूछ लेना, कल के दिन सीबीएसई गाइडलाइन जारी करेगा, मैं उसको पूरा समझ के अंडरस्टैंडिंग करने के बाद ही आप लोगों के एक एक क्वेश्चन का डाउट ले लूंगा, हो सके तो लाइव आके आपके सवालों का डाउट ले लूंगा, ठीक है। उम्मीद है आपको सारी बातें समझ आ गई होगी, कल तक का वेट करना है, जो भी मन में डाउट है उसको थोड़ा दबा के रखो, कल मैं आप लोगों से क्लास मुलाकात करूंगा और सारे डाउट्स आपके सॉल्व करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। आप सबने बहुत सपोर्ट किया ट्विटर पे जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आज ये पॉसिबल हो पाया। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।